हरियाणा का जो केन कंट्रोल बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई और हमारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोऑपरेटिव मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे कृषि की ACS और जो कोऑपरेटिव मिल हैं उनके अधिकारी, प्राइवेट मिल के अधिकारी उसमें शामिल हुए और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे और नई जो गन्ने की वैरायटी आई है 15023, जिसके बारे में अभी HAU ने टेस्टिंग नहीं की है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है, उनको कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन करें। और क्योंकि भारत सरकार ने इसको सत्यापन कर दिया है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार करें। कृषि विभाग जो है किसानों को आर्थिक सहायता देगा जो बीज तैयार करेंगे। और एक कमेटी का गठन किया गया कि जिससे प्राइवेट मिल की रिकवरी और कोऑपरेटिव मिल की रिकवरी में जो गैप है उसको दूर करने के लिए वो सुझाव देंगे और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल की आए। और एथेनॉल प्लांट हमने पानीपत में लगा दिया है, शाहबाद में, और पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी है और आने वाले वक्त में और मिल भी जितने कोऑपरेटिव के हैं एथेनॉल प्लांट लगाएं जिससे किसानों को अपने भाव देने में कोई दिक्कत ना हो, उसको अच्छी भाव किसान को गन्ने का मिले। और देश में जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग चल रही है उससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी।